मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान आंदोलन जारी है। आज 28वां दिन है और लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में किसानों के साथ जो बुजुर्ग किसान आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए यहाँ पर जो है कैंप लगाए गए हैं, जिसमें मसाज होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही कैंप है जिस तरह से यहाँ पे जो किसान बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी यहाँ पर मसाज की जा रही है, और जिस तरह से ये मशीनों द्वारा मसाज की जाती है, यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जिस तरह से कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग और जितने भी यहाँ पर जो किसान है, किसान आंदोलन में लोग आए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, उन सभी किसानों की जो है सेहत का ध्यान रखते हुए जिस तरह से मशीनें से जो मसाज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किसान जो है इकट्ठा हो रहे हैं, और इसी तरह से दवाइयाँ और किसी भी तरह की अगर दिक्कत होती है पैरों में, हाथों में, तो मसाज और दवाइयों के थ्रू उनको ठीक किया जाता है। हम बात करेंगे इसी जो है कहा जाए इसके ऑर्गेनाइजर जो है, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रीत सिंह है और मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं वकील हूँ। आप एक वकील भी हैं, कैसे ख्याल आया इसको लगाने का, जिस तरह से ये यहाँ पर मसाज किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को दवाइयाँ दी जा रही हैं? ये एक्चुअली कुंडली बॉर्डर पर भी इस तरह की मशीन्स खालसा एड की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी, तो यहाँ पे भी टिकरी बॉर्डर पे भी काफ़ी डिमांड थी, और ऊपर से जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके घुटनों में और जोड़ों में बड़ा दर्द, तो इस चीज़ से हम देखते हुए हमें ये आइडिया आया कि ये मशीन्स हमें यहाँ पर लगानी चाहिए, और ये गुरपाल सिंह और अमनदीप सिंह की सपोर्ट के साथ हमने ये मशीन्स यहाँ पर लगाई हैं, और जिससे बुज़ुर्ग यहाँ पर मालिश करवा पा रहे हैं। तो रोज़ाना कितने किसान आते होंगे यहाँ पर, जिस तरह से दवाइयाँ लेने और मालिश करवा? मॉर्निंग और इवनिंग टाइम ज़्यादा रश होता है सर, और ऑलमोस्ट डेली विजिटर 50-100% डेली यहाँ पर विजिट करते हैं, जो यहाँ पर इस मशीन्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ दवाइयाँ भी दी जाती है अगर किसी के पैर हाथ में दर्द हो? हाँ जी, यहाँ पर फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं हम, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, बेसिक एसेंशियल्स हैं, हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दवाइयों का लंगर भी हमारी तरफ से जारी है। तो आपने कहा जो दवाइयों का लंगर है, ये आप अकेले कर रहे हैं या कोई किसी संस्था द्वारा कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमारी कोई संस्था नहीं है, हमारे सिर्फ अपने ही प्रियजन और मित्र प्यारे हैं, जिनकी सारों की सपोर्ट से, कुछ बाहर हैं दोस्त हमारे, NRI भी हैं दोस्त, और कुछ हमारे यहाँ के दोस्त हैं, ये सब मिलजुल कर ही हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। आप ये पंजाब में प्रैक्टिस करते हैं वकालत की? हाँ जी, हमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हूँ। जिस तरह से बता रहे थे पंजाब और हरियाणा के जो है प्रैक्टिस करते हैं, ये वकील हैं, उनके साथ कई ऐसे वकील जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से दवाइयाँ हैं, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं, और जो भी बुज़ुर्ग है या किसी के घुटने में, हाथ में दर्द हो, उन सभी को इस तरह से दिया जाता है, दवाइयों का इस तरह से जत्था लगा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग हैं भारी संख्या में आ रहे हैं और अपना इलाज भी करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसानों की संख्या बढ़े, जिसमें महिलाएं और बुज़ुर्ग भी भारी संख्या में आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस जो है कैंप का आयोजन किया गया है, और लगातार यहाँ पर जो है बुज़ुर्ग आकर मसाज और दवाइयाँ ले रहे हैं। दिल्ली से OP शुक्ला, सर, जसन TV।